व्लॉग नहीं कर पा रहे, डर रहा है, मैं व्लॉग कर रही हूँ उसका। ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा डर सकता है क्या? हाथ भी नहीं छोड़ रहा, देखो मैं एक हाथ से बैठी हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोगों का मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक उनियाल कहाँ गायब हो गया था, पर कार्तिक उनियाल कहीं गायब नहीं होता, कार्तिक उनियाल हमेशा आपके दिलों में है। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ एंड अभी राउंड अबाउट 6:30 बज रहे हैं, तो इसके बाद अब मैं अपना आज का डेली रूटीन करके अब मैं सारा काम करूंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आज का पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह उठ के बाहर आया था, देखा था मम्मी इतनी मेहनत कर रही है, मम्मी ने सब मंदिर की मूर्तियां धो धा के फ्रेश कर दी हैं, पर यही नहीं, मेरे पापा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो पूरा बरांडा बरांडा गमलों को पानी वानी दे दिया, मस्त एकदम। कैसा लग रहा पापा? बहुत ही बढ़िया। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम लोग बिस्तर नहीं छोड़ते हो अपना। मेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ा, मैंने तो छोड़ दिया था 6 बजे आज। सो गाइस फाइनली ये देखो मेरा घर, ये सुबह और मैं चला हूँ जिम करने के लिए। अभी दिखाता हूँ आपको मैं जिम का जाना, घर में ही जिम बना रखा है, तो मस्त जिम दिखाता हूँ। सब चीज रेडी है यहाँ पे, फाइनली मैं जिम करके घर पहुंच चुका हूं और बहुत थोड़ा सा पहली मतलब काफी टाइम बाद मैंने अब स्टार्ट किया जिम करना। आज मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे थकान सी लग रही है, तो अभी जाके सीधे नहाते हैं एंड उसके बाद मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा और जहाँ मैं पहली बार जाऊंगा, तो आपको अभी मिलते हैं थोड़ी देर में नहा धो के फ्रेश हो तैयार होके एकदम रेडी होके। गाइस फाइनली हम लोग आए हैं किसी से मिलने, जैसे मैंने आपको घर में बताया था कि आज मेरी छुट्टी, आज मेरा ऑफ है, तो क्यों ना अपना आज छुट्टी का दिन हम किसी के साथ स्पेंड करें, थोड़ा सा उनके साथ घूमें फिरें। तो मैं आया हूँ किसी एक स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए, अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में वो स्पेशल पर्सन कौन है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड हियर इट गोज। वो आ गई, ये देखो उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, खुलते ही नहीं है, ठीक है। वो देखो बाहर से व्लॉगिंग कर रही बेचारी, परेशान को परेशान होगी, खोल दिया इसके लिए दरवाजा। आए कैसे हो? कैसा लगा मिलके काफी टाइम बाद? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा मुझे, ओहो, मेरा तो चश्मा छूट गया था, तो गाइस मैं यहीं पे अपना चश्मा लगाऊंगी और अच्छा मुर्गी परी बन जाती हूं। अच्छा गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं कड़ी कैंट में, एक मेला है, आज से पहले जिंदगी में कभी ये देखा नहीं है, ना मेरे को पता था कि यहाँ कोई मेला लगता है। गली देखो इतनी सी यार, इतनी बड़ी गाड़ी इसके अंदर घुस रखी है, क्योंकि मैंने बोली थी कि यहाँ से गाड़ी घुसा दो, पर मैं खुद भूल गई थी कि आगे पार्किंग नहीं है। हो अब गाड़ी वापस आएगी वहाँ से? पता नहीं, अब वो आगे जाके देखी जाएगी। अच्छा चलो बढ़िया, देखो ये सब खिलौना, मुझे क्या क्या खिलौना दिलाओगे? जो तुम बोलो। ठीक है फिर, तो ठीक है। तो गाइस मैं खुद व्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं व्लॉगिंग करूंगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा है जो मेरी व्लॉगिंग खोलती रहेगी। देखो मैं हूँ वो असिस्टेंट। गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है मेले की स्टार्टिंग। वाओ मुझे वो दिला ना, वो जब गाड़ी रुकेगी तभी दिला पाऊंगा, ऐसे तो नहीं दिला पाऊंगा। ठीक है जाम लग जाएगा ऐसे। हाँ, होती है पार्किंग है? याद है मैं, गाइस मैं तो हर साल आती रहती हूँ, ये इसका फर्स्ट टाइम है, तो किसी याद मिला है पर केसवर शिवरात्रि, अबे शिवरात्रि तो खत्म हो गई, शिवरात्रि नहीं क्या चल रहा था, शिवरात्रि तो शिवरात्रि ना, तो यहाँ मेला कम से कम 10-15 दिन तक लगता है। अच्छा तो भांगी मिलती होगी यहाँ पे? हाँ सब अभी भी मिलेगी। हाँ सब मिलता है। सॉरी मैं तो नहीं पीता। मैं पहली बार आया हूँ तपकेश्वर के मंदिर में, यहाँ घूमने के लिए मेले में, और यहाँ पे हर माल 5 रुपए का है, तो ये चाहिए क्या हर माल 5 रुपए? वो टेडी बियर वो भी 5 रुपए का होगा, हर माल 5 रुपए 5 रुपए। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, इसको बहुत तेज सुस्त आ रही है,
तो ये यहाँ ढूंढ रही है वॉशरूम, वॉशरूम यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। तो गाइज अभी ऊँट की टिकट लिया, ऊँट में घूम रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है ना पता नहीं कहाँ उबड़ खबड़ में चला रहा होगा ऊँट हमें। एंड गाइज ये खुद ब्लॉग नहीं कर पा रहे, डर रहा है, मैं ब्लॉग कर रही हूँ उसका। ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा डर सकता हूँ क्या कभी? हाथ भी नहीं छोड़ रहा, देखो मैं एक हाथ से बैठी हूँ। और ये रही इसकी ऊँट। तो गाइस ऊँट की सवारी करके आया, मजा बहुत मजा आया। देखो इसको, देखो कितना मजा आया ऊँट में, और आज हम जाएंगे मौत का कुआं देखने। और दोनों ने हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा मौत का कुआं। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा मौत के कुएं में। मिलते हैं जल्दी, मिलते जल्दी भाई। तो गाइस अभी जा रहे हैं मौत के कुएं में। सीढ़ी भी मौत की जैसी चल रही है, तो ऊंचा 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 ऊंचा। गाइस फाइनली पहली बार मौत के कुएं में आया हूँ। ये देखो नीचे से क्या भयंकर दिखता है यार ये। मैंने कहा स्टार्ट कर दी उसकी गाड़ी। और अलीशा भी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है आपको? तुम्हें हाँ ये देखो हाइट सब नीचे नीचे। कार खड़ी है ना, ये भी चलेगी मौत के कुएं में कार। क्या हो गया? गाइस ये कुछ भी नहीं खिला रहा मुझे, भुक्का भुक्का लेके जा रहा है। झूठ बोल रही है अपने लिए, देखो कितना सारा पैक करा रखा है इसने। लड्डू है ये मेरा, लड्डू नहीं खाना वाला, अंडी मंडी कसम भाई। जैसे आपको पता होता है ना कि जैसे मेले वेले में बहुत अनहाइजीनिक वाला खाना बना रहता है, तो इसको अनहाइजीनिक खाना पता नहीं क्यों इतना पसंद है। क्यों है पसंद? क्योंकि मैं इंडियन हूं, मुझे वो डॉल्फिन चाहिए। कैसा लगा बब्बू आपका? बढ़िया मजा आ गया, कुछ खिलाया तो नहीं साला तुमने। क्या खाते? गंदी अनहाइजीनिक चीजें खाओगे क्या वहाँ पे? अभी बाहर रोड पे आपको गन्ने का जूस पिलाऊंगा, और जैसे वो बहुत हाइजीनिक होगा ऐसे बोल दो। जैसे वो बहुत हाइजीनिक होगा, हाइजीनिक होगा। नारियल का पानी पियेंगे अभी। यहाँ पे जाम लगा हुआ यार, कती मात्ती कुछ है ना। गाइस फाइनली हम लोग मेला वगैरह घूम के अब मैं अलीशा को ड्रॉप करने आया हूँ। ये पूरा उसमें बोल रही थी मैंने कुछ खिलाया नहीं, खिलाया नहीं, देखो इसके लिए क्या लेके आ रखे, घर लेके जा रही है उसको। तो दो है उसके अंदर, ले जा रहा दोनों। तो फिर आई लव दिस, लेट्स गो। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा से बाय, अच्छे से तो बाय कर दो। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, लेट्स मीट अगेन। दोबारा 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 करो 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 करो। बाय बाय। तो गाइस मैं जा रहा था घर, और ये इतनी कमीनी है ना, इसने मुझे यहाँ पे रोक दिया, बोला कि मेरी रील बनाओ। और ये इतने ढाई घंटे से ना यहाँ ये एक्टिंग करी। यहाँ देखो जरा रील बनवा रही मुझसे, ये देखो सुपरस्टार बन। 7 बार इसने रीटेक ले लिया, ऐसा तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं करता इतना, 7 बार रीटेक। ना कोई कोरियोग्राफर 7 बार रीटेक लेता है, इसने 7 बार रीटेक लिया। बाय, मुझे शक्ल में दिखाना, जा रहा हूँ अब, बहुत लेट होगी मुझे। सो गाइज फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। अभी मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बना रहा था, वहां मेरा फोन ना बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया कि दाढ़ी और कटिंग मैं कहां कराता हूं, कैसे करता हूं। तो मैं घर पहुंच चुका हूं, घर पहुंचा तो देखा यहां पे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। अरे मेरे पापा, ये देखो बाबू अपने फोन में लगी हुई और मम्मी भी अपने फोन में लगी हुई, बेचारे मेरे पापा को अकेला छोड़ रखा। कैसा लग रहा पापा? बिल्कुल चुप। ये तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद में खाना खाना खाऊंगा, तब आपको मिलूंगा। फाइनली हमारा डिनर का टाइम हो गया, मम्मी ने देखो क्या क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये है आलू मटर की सब्जी, और मम्मी रोटी बना रही है, और ये रहा मक्खन मेरा फेवरेट, घी और रायता इज माय फेवरेट। और ये देखो इसको बाबू को भी कितनी मेहनत से हमारे सलाद बना रही है। गाइस एट लास्ट मेरे लिए खाना सर्व हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्लेट में कैसा खाना आया, इतना मस्त सा। ये देखिए खाना है, रायता आलू मटर की सब्जी रोटी एंड सैलेड। बाय बाय, खाना खा के मिलते हैं। फाइनली खाना वाना सब खा लिया है, एंड बहुत ज्यादा मजा आया, पेट भर गया, फैमिली के साथ एंजॉय किया, मम्मी ने इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया था।
तो इस व्लॉग को हम यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए क्या करने का, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।